नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल। आपके साथ मैं हूं अंशु। खबरों का रुख करते हैं। भागलपुर के नवगछिया पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हाथ लगी जब सूचना के आधार पर नवगछिया थाना क्षेत्र के उजानी गांव में पूर्व के गांजा मादक पदार्थ के कारोबारी नामजद अभियुक्त मोहम्मद सलीम द्वारा भारी मात्रा में गांजा व अन्य मादक पदार्थों का भंडारण करने की सूचना पर नवगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज के निर्देश पर एक टीम का गठन कर कार्रवाई का आदेश दिया गया, जिसके बाद पुलिस टीम ने दंडाधिकारी के नेतृत्व में उजानी गांव स्थित मोहम्मद सलीम के घर छापेमारी की। सूचना पर की गई इस कार्रवाई में मोहम्मद सलीम के रूप में पलंग के नीचे छुपाकर रखा गया अवैध गांजा, पलंग के ऊपर आग्नेयास्त्र एवं सलीम का मोबाइल बरामद किया गया। वहीं पुलिस की भनक लगते ही मोहम्मद सलीम मौके से फरार होने में सफल रहा। मौके से बरामद कुल 14 बंडल छोटा बड़ा पैकेट गांजा, जिसका कुल वजन 33,500 ग्राम, एक देशी पिस्टल, एक देशी कट्टा, दो कारतूस, दो मोबाइल फोन बरामद किया। इस छापेमारी में पूरी नवगछिया के अशोक कुमार, नवगछिया थाना के पुनी भारत भूषण, पुनी राजेश कुमार राम, नवगछिया डीआईयू टीम एवं सशस्त्र बल खुशबू प्रवीण अनुराधा कुमारी, साथ ही अन्य सुरक्षित गार्ड के सशस्त्र बल शामिल थे। पूरा मामला देखिए, कल गुप्त सूचना मिली थी जाने में सलीम एनडीपीएस कांड के पूर्व से आरोप पत्रित रहा हुआ, अभी बेल पर छूटा हुआ। वो ठीक कल एक गांजा का बारात के घर में ला के रखा है, जो वहाँ से कहीं सप्लाई करता है। वो आदमी आपराधिक प्रवृत्ति का है, अपराधियों से साठगांठ रखता है। जानकारी मिलते ही परिचमान डीएसपी अशोक कुमार के नेतृत्व में, जिसमें कि इंस्पेक्टर है टाउन भरत भूषण इंस्पेक्टर साहब, एसआई राजेश, महिला सिपाही और डीआईयू के अन्य टीम को मिला करके टीम गठन किया गया और टीम पर छापामारी किया। छापामारी करने में लगभग छोटा बड़ा 14 बंडल है, कुल 33 किलो 500 ग्राम ये गांजा बरामद हुआ। उन्हीं के घर से ये दो, एक पिस्टल भी देसी और कट्टा मिला है, दो कारतूस भी मिला है और सलीम का मोबाइल भी बरामद हुआ है। सलीम वहाँ से रात के अंधेरे में भागने में सफल रहा, जिसे हम बहुत जल्दी गिरफ्तार कर लेंगे। सबसे बड़ी बात है वो भी बेल पर छूटा हुआ है। मैंने सर साहब को कहा भी है कि उसका बेल कैंसिलेशन का अनुरोध प्रस्ताव देंगे, यानी तो बेल पर छूट करके पुनः एक कांड किया है कि हम लोग उसका एक प्रस्ताव देंगे बेल कैंसिलेशन का भी, और जल्दी गिरफ्तार करेंगे। इसी कड़ी में हम लोग कल एक शराब के विरुद्ध भी, इसमें कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, पत्नी और हम लोग बेटी को लाए थे, पूछताछ किया गया। पूछताछ क्रम में हमें संलिप्तता प्रकाश में नहीं आई है, हम लोग उन्हें पीआर पर छोड़ने के निर्देश हमने दे दिया। शुरुआती पूछताछ में क्या सामने आया कि कहां से ये आई थी, अब कहां डिलीवरी हुई थी? जो पत्नी है वो कुछ मंद बुद्धि की है, इतना की मिली थी पत्नी और बेटी भी शामिल है, लेकिन इंस्पेक्टर साहब छानबीन किए, ग्रामीणों से पूछताछ की तो पत्नी और बेटी के बारे में ठोस साफ सबूत नहीं मिल रहा है। ये सलीम का काम है, सलीम लाता है उसका, क्योंकि सलीम की गिरफ्तारी होगी तब ये हमें मालूम हो पाएगा वो कहां से लाता था और उसके लिंक में और कौन कौन लोग। तो फिलहाल की बड़ी खबरों में बस इतना ही, बाकी की तमाम छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल। नमस्कार।